बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह की फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वैसे तो जी हम ठीक हैं, लेकिन घर में जो है थोड़ी सी परेशानी बनी थी। परेशानी ये बनी थी कि अचानक से जो है हमारे अंकल जो है मेरे हस्बैंड के जो अंकल, उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तकरीबन दो दिन हो गए हमने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं चलाया ना ही। तो जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो है उनकी मफरियत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएँ। और जी उनकी डेथ कैसे हुई है, बिल्कुल नॉर्मल थे वो, जैसे कि हमने सुबह में उनको देखा है और दो से तीन घंटे में हमने उनकी खबर सुनी है कि उनकी डेथ हो गई है। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो उनकी डेथ कैसे हुई है कि सुबह से वो कह रहे थे कि मेरे ना सीने वाली जगह में जो है मुझे पेन है, दिल वाली जगह पे, तो किसी ने इतना गौर नहीं किया, सबने लाइटली लिया कि ऐसी ही कोई दर्द होगा। तो जैसे ही दोपहर हुई तो उनका दर्द बढ़ गया और जैसे वो हॉस्पिटल, तो जैसे ही उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, सिर्फ 15 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई है। इतना शॉक लग गया सुन के, बिलीव नहीं होता कि इतना जल्दी भी कोई इंसान ऐसे हमसे दूर जा सकता है। तो जी बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस भी है। तो इंशाल्लाह जी कल से हमारा ब्लॉग आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब ने मेरे ब्लॉग पर दुआ करनी है। और जी मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में। तो कल वाला ब्लॉग आपने लास्ट में देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। अल्लाह की फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी जब से मेहमान आए हैं तब से आपको पता है कि मैंने कुकिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं की। आज मैं उनके लिए बना रही हूँ बिरयानी। तो जी आप देख सकते हैं कि बिरयानी का सामान जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। मैं आज बिरयानी बनाने लगी हूँ। ये देखें जी, बिरयानी मसाली का डब्बा है, प्याज हैं, और जी मेरे पास लहसुन है, चिकन है, टमाटर है, चावल, दही, और ये देखें जी इमली भी है मेरे पास, और सब कुछ जी हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं स्टार्ट करूँगी बिरयानी बनाना। तो जी आज बहुत ही यमी सी टेस्टी सी हमारी बिरयानी बनने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज तो मजे होंगे फिर हैं। हाँ जी जी मजे होंगे। और शानू सो रहे हैं, ये देखें जी शानू सो रहे हैं, और जी हम लोग जी बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी बिरयानी को मैं बना रही हूँ, साथ में कुछ मीठा ही बना रही हूँ आज मेहमान। मीठा नहीं, सीधी बात, बिरयानी के चक्कर तो ये मीठा ही है ना। तो आज हमारा दूध खराब हो गया था, तो इसलिए ना मैंने आज उसका मेरा बना लिया। बिरयानी के चक्कर में जी दूध खराब कर बैठी है। कोई मीठा आपको पसंद है? अच्छा जी, अब खोया बना रही हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं मेरा आज जो मीठा है वो रेडी हो गया बिल्कुल बन के, और मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। यह सारा आपको खिलाना है। अच्छा चलें जी, तो जी बिरयानी हमारी बनना स्टार्ट हो गई है। मैंने चावल डाल दिए थे, और ये मैंने जो चीज़ें इसमें डाली हैं ये सब धनिया, पुदीना, लूनी और गरम मसाला। तो जी ये देखिए मेरी उंगली पे थोड़ा कट लग गया, और अब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सबसे पहले मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला का एक डब्बा, मैंने पूरा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए और जी अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। शानू जो है रो रहा है, वो कहते हैं बाहर चलें। नमक लाल मिर्चों का पाउडर, और जी इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। तो जी इसमें मैं ऐड करूंगी रेड फूड कलर थोड़ा सा, इससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। और साथ में जी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्या एक अदद लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और हम रख देंगे जब तक हमारे चावलों के जो पानी में बॉईल आ रहा है। ये देखें वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे चावल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फिर हमने इसको इनको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। तो
तो जी चावल हमारे बॉईल हो गए हैं, वो मैंने उसको स्ट्रेन कर दिया है और अब मैं अभी यहाँ पे प्याज ब्राउन कर रही हूँ और चिकन हमारा मैरिनेट हमने करके रख दिया था यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए चिकन को। और जी इसके बाद ये देखिए मैंने इसकी जो गार्निश करनी है वो भी सामान मैंने रेडी करके रखी है। तो जो प्याज हमारे ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने ज़रा सा भून लिया था और अब इसमें मैंने मैरिनेट किया चिकन डाल दिया है। ये गर्मी भी है, पसीने से क्या हाल है मैडम जी? रात हो गई है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा, रात हो गई है, मैं पकाते पकाते रात भी हो गई है। चिकन को हमने थोड़ा सा भून लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, इसकी लाइट मॉर्निंग है। ये 4 से 5 जो है मैंने बड़े साइज के टमाटर ले लिए यहाँ पर, वो कुछ मैं गार्निश के लिए डाल दूँगी, बाकी के सारे जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए। खुशबू आ रही है मैडम, आ रही है। तो जी ये देखें अब मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको दम पे लगाएंगे। ये जो लास्ट मेरे पास ग्रेवी थी वो मैंने ऐड कर दी है और ये मेरे पास लेमन है और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना है, ये हमने इसमें डाल देना है सारा। और ये साथ में मेरे पास टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और ये अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर, अब हम इसको दम पे लगा देंगे। तो जी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है बनके, मैं इसका दम जो है खोलने लगी हूँ, हम लगे हैं शाम हो गई है हमें बनाते बनाते, है ना ना? आपको भूख लगी है? वैसे आपने तो निकाल निकाल के खा लिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है कि नहीं, जबरदस्त। चलिए अब मैं इसको जरा जी माशाल्लाह अच्छे, ये देखें जी हमारी जो बिरयानी है तो ठंडी हो रही है और लेग पीस में आपको डाल दूँ, है प्लेट उठवा दे मुझे, लेग पीस फिर आपकी नजर है, चलें उठा दे प्लेट में आपको डाल दूँ।